दिल्ली में विधायक मंत्रियों की बल्ले बल्ले, 67% तक बढ़ी सैलरी। मुख्यमंत्री का वेतन 72,000 से बढ़ाकर किया गया 1,70,000 रुपए। दिल्ली में विधायकों की सैलरी में 67% की बढ़ोतरी की गई है। अब विधायकों को हर महीने 90,000 रुपए मिलेंगे। अभी तक विधायकों को 54,000 रुपए मिलते थे। इसके अलावा मंत्री और मुख्यमंत्री के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री का वेतन अब बढ़कर हो गया है 1,70,000 रुपए प्रति महीना मिलेगा। यानी मंत्री और मुख्यमंत्री के वेतन में 136% की बढ़ोतरी की गई है। दरअसल दिल्ली विधानसभा में जुलाई 2022 में विधायकों, मंत्री और मुख्यमंत्री की सैलरी में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास किया गया था। अब इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सरकार के लॉ डिपार्टमेंट ने वेतन बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी किया है। पहले विधायकों की सैलरी 54,000 रुपए थी, जो अब बढ़कर 90,000 रुपए कर दी गई है। तो वहीं मंत्री, सीएम और स्पीकर की सैलरी भी 70,000 से बढ़ाकर 1,70,000 रुपए हो गई है। 12 साल बाद बढ़ी सैलरी। दिल्ली में 12 साल बाद विधायकों की सैलरी बढ़ी है। 14 फरवरी 2023 से विधायकों को 90,000 रुपए सैलरी मिलेगी, जबकि मुख्यमंत्री, मंत्री, स्पीकर और विपक्ष के नेता को 1,72,000 रुपए मिलेंगे। इनमें से 70,000 रुपए उन्हें पहले ही मिल जाएंगे। 4 जुलाई 2022 को विधायकों, मंत्री और मुख्यमंत्री की सैलरी बढ़ाने को लेकर 5 प्रस्ताव पास किए गए थे। अभी तक विधायकों को बेसिक सैलरी के तौर पर 12,000 रुपए मिलते थे, अब ये बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिए गए हैं। इसके अलावा डीए को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया गया। नए प्रस्ताव के मुताबिक अब विधायकों को भत्तों समेत 90,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। तेलंगाना में सबसे ज्यादा मिलती है सैलरी। भारत में विधायकों को सबसे ज्यादा तेलंगाना में सैलरी मिलती है। यहाँ सभी भत्तों को मिलाकर एक विधायक को हर महीने 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। दिल्ली की आप सरकार ने दिसंबर 2015 में विधायकों की सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया था। इसमें विधायकों की सैलरी 54,000 से बढ़ाकर 2,10,000 रुपए महीना करने का प्रस्ताव था, लेकिन इस बिल को केंद्र ने रद्द कर दिया था। इस मामले में भाजपा का कहना था कि 2015 का प्रस्ताव नियमों का उल्लंघन करके पास किया गया था, इसे उसे मंजूरी नहीं मिली। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र ने आप सरकार से प्रस्ताव में कुछ परिवर्तन करने की सलाह भी दे डाली थी।